चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को गुणनखंड निकालना है। चलिए हम लोग सीखते हैं गुणनखंड किस प्रकार निकाला जाता है। क्वेश्चन आपको दिया गया 6x² + 17x + 5। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को इसी प्रकार लिख देंगे, 6x² + 17x + 5। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देख रहे हैं, 6x² + 17x + 5 जो लास्ट का जो अंक है, इसको इस अंक को एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुना करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 है। तो 6 को गुना करेंगे 5 से, तो 6 × 5 = 30 एक्स स्क्वायर हो रहा है, 30x². ठीक है, तो 17 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे क्योंकि गुना कर 30x² आना चाहिए और जोड़ या घटाकर 17 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको चलिए तोड़ते हैं, 6x² + 2x + 15x + 5। देखिए इसको हम तोड़ें, 15 × 2 = 30, मतलब कि 15 का पहाड़ा में हो रहा है। 2x + 15x कितना हो जाएगा जी, 15 × 2 = 17x हो रहा है। ठीक है, अब 2x × 15x कितना होगा, 15 × 2 = 30x² हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें सबसे मेन बात होती है कॉमन लेना। कॉमन यहाँ पे देखिए दोनों में कितना कॉमन लेवाएगा, 2x कॉमन लेवा जाएगा। ठीक है, तो 2x कॉमन ले रहे हैं, तो 2 × 3 = 6, मतलब 3x + 2x कॉमन ले लिए हैं 2x में से, तो कितना बच गया, 1 प्लस। अब यहाँ पे कितना कॉमन लेना है, 15x + 5 बचा जिसमें से हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे आपको हम कॉमन ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 3 = 15, मतलब 3x + 1 हो गया, 5 × 5। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे देखिए 3x + 1 है, 3x + 1 दोनों समान हो गए, तो आप समझिए गुणनखंड सही है। तो इस दोनों में से एक लिखाता है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 3x + 1, और ये दोनों जो बचा एक साथ लिख दीजिएगा 2x + 5। ये आपका गुणनखंड हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिया गया है x² + 7x - 18, इसको गुणनखंड तोड़िए। क्वेश्चन को सबसे पहले उसी प्रकार लिख देना है, x² + 7x - 18। ठीक है, अब इसको एक्स के स्क्वायर के साथ 18 को गुना करना है, तो एक्स का गुणांक कितना है जी, नहीं है, तो इसमें समझिए एक रहता है। ठीक है, तो एक को 18 से गुना करेंगे तो 18x² आ रहा है। अब 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि 18x² आना चाहिए और जोड़ या घटाकर 7x होना चाहिए। तो चलिए, ऐसा कौन सी पहाड़ा है, तोड़िए, 9 × 2 कितना होता है जी, 18 हो रहा है, 9 × 2 = 18। चलिए 9 और 2 में डिस्कस करते हैं, तो x² + 9x - 2x हो रहा है, -18। यहाँ पे देखिए 9x में से 2x जाएगा, 7x बच जाएगा, और 9x × -2x करेंगे तो 9 × 2 = 18x² आ रहा है, -18x² लाना था जो आपका आ गया है, तो एक गुणनखंड टूट गया। अब यहाँ पे कॉमन लेने की बात है, तो यहाँ पे कॉमन लीजिए एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स कॉमन लेवाएगा। ठीक है, तो एक्स कॉमन लेते हैं तो आपका 1² में से 1 कॉमन ले लिए तो 1 बच गया, और 9x में से 1 कॉमन ले रहे हैं तो कितना बच गया, 9 बच गया। ठीक है, पल इंटू माइनस का चिन्ह माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, एक्स तो कॉमन लेवाएगा नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x में से 2 कॉमन ले लिए तो बच गया एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 18 में से 2 कॉमन लीजिएगा तो 9 × 2 = 18, 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोले थे कि ये दोनों समान आएगा, तो समझिए गुणनखंड सही है, यदि नहीं आता है तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में से एक लिखना होता है, तो x + 9 लिखा गया, और यहाँ पे एक लिखाएगा एक एक्स और -2, तो यहाँ पे दोनों को एक साथ लिखते हैं x और -2, ये आपका आंसर हो गया, ए गुणनखंड बन गया। आई होप यू कि आप लोगों को समझ में आया होगा।